तो वहीं दिल्ली में आईएमडी के वरिष्ठ वैज्ञानिक नवेश कुमार ने कहा कि उत्तर पूर्वी भारत जैसे राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली एनसीआर, यूपी में लगातार हीटवेव से भीषण हीटवेव जारी है। आने वाले दिनों में हमने इन जगहों पर रेड अलर्ट जारी किया है। गुजरात में भी आने वाले 5 दिनों में हीटवेव जारी रहेगी। तापमान में गिरावट की कोई संभावना नहीं है। देखिए, अभी नॉर्थ वेस्ट इंडिया में स्टार्टिंग फ्रॉम, अगर आप बात करें स्पेशली राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और एनसीआर, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, नॉर्थ मध्य प्रदेश, यहाँ कंटिन्यूज हीट वेव टू सीवियर हीट वेव पड़ रही है। जनरली जो अगर हम आईएमडी का क्राइटेरिया बताएं, जनरली हम क्या करते हैं कि जब टेम्परेचर आपके नॉर्मल 40 से ज़्यादा हो जाते हैं और डिपार्चर 4.5 डिग्री से ज़्यादा होता है तो हम हीट वेव बोलते हैं, लेकिन प्रेशर्स हैं 45 डिग्री से ज़्यादा पहुँच जाते हैं। दूसरा हमारा आईएमडी का क्राइटेरिया ये है कि अगर 45 डिग्री टेम्परेचर होते हैं तो उसको हीट वेव बोलते हैं, अगर 47 होते हैं तो सीवियर हीट वेव बोलते हैं। ऑलमोस्ट पूरा नॉर्थ वेस्ट इंडिया में ऐसे ही सिनेरियो बना हुआ है। राजस्थान में भी टेम्परेचर 47 तक टच कर रहे हैं, दैट इज 46 प्लस हैं। सिमिलरली अगर आप एनसीआर दिल्ली की बात करें, जहाँ भी टेम्परेचर 47 तक हैं, पंजाब, हरियाणा, वहाँ भी 45 प्लस हैं। तो आने वाले 5 दिनों के लिए हमने पूरा जहाँ रेड अलर्ट दे रखा है, स्टार्टिंग फ्रॉम राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, एनसीआर दिल्ली और वेस्ट उत्तर प्रदेश। इसके अलावा नॉर्थ मध्य प्रदेश, वहाँ में भी हमने हीट वेव टू सीवियर हीट वेव का वार्निंग दे रखा है, ऑरेंज अलर्ट दे रखा है। सिमिलरली बिहार पे भी हीट वेव पड़ रहा है, लेकिन 2 दिनों के बाद वहाँ थोड़ी कमी हो जाएगी क्योंकि समुद्र से हवाएं आएंगी, ईस्टर्ली वेव्स आएंगी, तो मेन ईस्टर्ली वेव जो बे ऑफ बंगाल से आएंगी तो टेम्परेचर में थोड़ी गिरावट आ सकती है। इसके अलावा गुजरात में भी आने वाले 5 दिनों में हीट वेव कंटिन्यू रहेगी।